मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मध्य प्रदेश जिसमें 785 बाघ है, बाघों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समुदाय के सहयोग पर जोर दिया है और वन विभाग तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा में लगे सभी लोगों की सराहना की है, जिसके कारण मध्य प्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ वाला प्रदेश है। प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़कर 785 पहुंच गई है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा का कार्य अत्यंत मेहनत और परिश्रम का है। समुदाय के सहयोग के बिना वन्य प्राणियों की सुरक्षा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बाघों के संरक्षण के लिए संवेदनशील प्रयासों की आवश्यकता होती है, जो वन विभाग के सहयोग से संभव हुए हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में बेहतर प्रबंधन से वन्य प्राणियों को संरक्षण मिलता है और बाघों के प्रबंधन में लगातार सुधार भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जंगलों में बाघों के भविष्य को सुरक्षित करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता का एक उदाहरण हाल ही में सीहोर जिले में देखने को मिला था, जहां बुधनी के मिटघाट रेलवे ट्रैक पर बाघिन के 3 शावक ट्रेन की चपेट में आ गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर रूप से घायल 2 शावकों को जिला प्रशासन और वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम द्वारा विशेष ट्रेन से भोपाल लाया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने और उनके संरक्षण के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वन्य जीवों की रक्षा करें और उनकी आबादी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखें।